उड़ीसा के पूर्वी तट पर खतरे से घिरे ऑलिव रिडली कछुओं का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल मौजूद है। ये बंगाल की खाड़ी के सबसे उथल पुथल वाले और क्रियाशील स्थलों में से एक है। यहाँ हाल ही में भारत में सबसे खतरनाक टाइफून और चक्रवात भी आए हैं। यहाँ गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। जनवरी की शुरुआत में रात ढलते ही विशाल आकृतियां नजर आने लगती हैं। इस समुद्र तट पर मीलों तक कछुए घोंसला बनाने के लिए उपयुक्त जगह तलाशने लगते हैं। जनवरी से अप्रैल के बीच हजारों ऑलिव रिडली कछुए इस तट पर पहुंच जाते हैं। उड़ीसा के तट पर भितरकनिका से लेकर ऋषिकुलिया तक दुनिया में ऑलिव रिडली कछुओं का घोंसले बनाने का सबसे विशाल पर्यावास है। ये माना जाता है कि यहाँ कछुए पूरी दुनिया से आते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय जल राशियों में अपना पेट भरते रहते हैं और हर साल यहाँ अंडे देने के लिए लौटते हैं। ऑलिव रिडली कछुओं का घोंसला बनाने का 6 महीने की अवधि वाला मौसम नवंबर के शुरू में आरंभ होता है। पहले नर यहाँ पहुंचते हैं और जल्दी ही मादाएं भी उनसे आ मिलती हैं। इनका प्रणय महासागरों में होता है। जनवरी आते आते मादाएं अंडे देने के लिए तैयार हो जाती हैं। तब अरिबादा नाम का ये दौर शुरू होता है। नर तट के आसपास ही रहते हैं, जबकि गर्भवती मादाएं तट की ओर बढ़ जाती हैं। फरवरी आते आते अरिबादा अपने चरम पर होता है। रोजाना हजारों की तादाद में कछुए यहां सामूहिक रूप से घोंसला बनाने के लिए पहुंचते हैं। कछुए रात ढलते ही यहां पहुंचने लगते हैं और सुबह होने तक आते रहते हैं। इस दौरान घोंसले बनाने की गतिविधि पूरे जोरों से शुरू हो जाती है। ये कछुए अपने मजबूत फ्लिपरों से जमीन खोदने का काम लेते हैं। घोंसले उस जगह से 10 से 20 मीटर तक दूर बनाए जाते हैं जहां तक ज्वार का पानी पहुंचता है। जब घोंसले की गहराई आवश्यकता के अनुसार हो जाती है तो मादाएं अंडे देने की तैयारी शुरू करती हैं। चिपचिपा तरल नर अंडों को नुकसान होने से बचाता है। ये एक बार में 150 तक अंडे दे सकती हैं और कोई एक मादा एक मौसम के दौरान घोंसला बनाने के लिए 2 या 3 बार यहां लौट सकती है। एक साथ घोंसले बनाने का ये मौसम कई हफ्तों तक जारी रह सकता है। अंडे देने के बाद ऑलिव रिडली कछुओं का ये मशहूर रॉक एंड रोल नृत्य शुरू होता है। घोंसले को बड़े एहतियात से ढका जाता है। कभी कभी मादाएं आसपास मंडराने वाले संभावित परभक्षियों को गलतफहमी में डालने के लिए एक नकली घोंसला भी बनाती हैं। अंडे देने की प्रक्रिया में रिडली कछुए पूरी तरह थक जाते हैं और फिर वो समुद्र के पुरसुकून और सुरक्षित माहौल की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू करते हैं। 6 महीने तक चलने वाले घोंसला बनाने के मौसम के दौरान ये कछुए समुद्र तट के नजदीक ही रहते हैं। जब अंडों में से बच्चे निकल आते हैं तभी ये तटीय इलाकों से दूर अंतरराष्ट्रीय जल राशियों की ओर बढ़ते हैं। सरकार ने घोंसलों वाले इस पूरे इलाके को एक समुद्री अभयारण्य घोषित कर दिया है। इस क्षेत्र में मैकेनाइज्ड ट्रॉलरों के इस्तेमाल और कमर्शियल फिशिंग की इजाजत नहीं है। स्थानीय मछुआरों की मछली पकड़ने वाली छोटी नौकाओं की ही इजाजत होती है, लेकिन मछली पकड़ने की मनाही वाले क्षेत्रों के
20 किलोमीटर के दायरे में फिर भी सैकड़ों ट्रॉलर और नावें मछली पकड़ते रहते हैं, जिससे रोजाना सैकड़ों कछुओं की जान जाती है। कुछ कछुए ट्रॉलरों के प्रोपेलर्स के जरिए मारे जाते हैं तो और बहुत से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाते हैं। तटरेखा से 20 किलोमीटर के दायरे में ट्रॉलिंग पर सरकारी रोक है। इस संरक्षित इलाके में प्रजनन के मौसम के दौरान मैकेनाइज्ड ट्रॉलरों और मछली पकड़ने वाली नावों की आवाजाही पर और सख्ती से रोक लगाए जाने की जरूरत है। इन जलराशियों में मछली पकड़ने वाले हर ट्रॉलर के लिए ये जरूरी है कि बेशक वो संरक्षित इलाकों से बाहर मछली पकड़ रहे हों, पर वो ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करें जिनसे कछुए बचकर निकल सकें। बदकिस्मती से ऐसे ज्यादा ट्रॉलर नहीं मिले जो इस उपकरण का इस्तेमाल कर रहे थे। पिछले कुछ एक बरसों के दौरान 1 लाख से ज्यादा ऑलिव रिडली कछुए उड़ीसा के तट के पास मारे जा चुके हैं और ये सभी मछली पकड़ने के जालों का शिकार बने। सैकड़ों मृत कछुए तट पर पड़े हुए हैं, जिनकी तरफ कुत्तों, कौओं और शिकारी पक्षियों जैसे अपमार्जक आकर्षित होते हैं। मरे हुए कछुओं को खाने के बाद ये जीव रिडली कछुओं के घोंसलों की तरफ बढ़ जाते हैं। और दक्षिण में ऋषिकुलिया उड़ीसा के तट पर ऑलिव रिडली के घोंसलों वाले 3 मशहूर स्थानों में से एक है। यहां फिलहाल काफी तेज गतिविधियां चल रही हैं। कछुओं ने हजारों अंडे दिए हैं जो रेत में सुरक्षित दबे पड़े हैं। अनुमानों के अनुसार इस साल यहां 2 लाख से ज्यादा कछुए पहुंचे हैं, जिन्होंने 5 वर्ग किलोमीटर वाले इस क्षेत्र के लगभग पूरे हिस्से में ही अंडे दिए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार आरिबादा नामक अवधि में ये कछुए लाखों की तादाद में अंडे देते हैं, लेकिन हर मादा ही अंडे देने के लिए ज्वार की लहर से ऊपर वाली जगह नहीं पहुंच पाती। कुछ मादाएं भीड़ भरे तट पर अंडे देने की कोशिश में इतनी बेताब हो जाती हैं कि उन्हें जहां जगह मिलती है वो वहीं घोंसला बना लेती हैं। कभी कभी तो ये घोंसला पहले से मौजूद घोंसले के ऊपर या पानी के बहुत पास भी होता है। इससे ऑलिव रिडली कछुओं के लिए एक नई तरह का खतरा पैदा होता है। ज्वार के दौरान तेज लहरों की वजह से हजारों अंडे जमीन से बाहर आ जाते हैं। इन्हें आमतौर पर स्थानीय समुदाय और गांव वाले इकट्ठा कर लेते हैं और अपमार्जक हजारों अंडों को तबाह कर देते हैं। अनुमानों के अनुसार इस तट पर दिए गए 70% से ज्यादा अंडों में से बच्चे नहीं निकल पाएंगे। समुद्र की लहरें रोजाना 1000 से ज्यादा घोंसलों को बर्बाद कर देती हैं। ऑलिव रिडली कछुए संकट में हैं। लेकिन इस साल स्थानीय समुदायों, गांव वालों और मछुआरों के व्यवहार में एक परिवर्तन आया है। स्थानीय गैर सरकारी संगठन की मदद से ये लोग लहरों से खतरा झेल रहे घोंसलों को बचाने के लिए आगे आए हैं। हजारों अंडों को इकट्ठा करके एक ऐसे सुरक्षित क्षेत्र में जमा किया गया जहां तक ज्वार की लहरें न पहुंच सके। स्थानीय समुदाय इन अंडों को अपमार्जकों और गैर कानूनी शिकारियों से सुरक्षित रखने के लिए एक स्थानीय बचाव दल का गठन करने में कामयाब रहे हैं। ऑलिव रिडली कछुओं के लिए उड़ीसा ही उनका आशियाना है और अपने प्रजनन के मौसम में वो अपने इसी आशियाने के सुरक्षित माहौल की तरफ हर साल लौट आते हैं। ये समुद्री पर्यावरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये जरूरी है कि हम प्रकृति के नाजुक डिजाइन को क्षति न पहुंचाएं। लगभग 2 महीने बाद अप्रैल के मध्य में अब कछुओं के लिए अंडों में से निकलने का वक्त है। बच्चे अमूमन
पूरे चांद वाली दो रातों को ही बाहर निकलते हैं। रात होती है तो चांदनी पूरे समुद्र को उजाले से भर देती है। यही वक्त है अंडों में से बच्चों के निकलने का। एक छोटा सा आकार अंडे को तोड़ता है और बाहर निकलने का संघर्ष शुरू हो जाता है। इनके जिंदा रहने के नजरिए से पहले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। केवल इनकी कुदरती वृत्ति ही इनका दिशा निर्देशन करती है और ये चांदनी से नहाए समुद्र की ओर बढ़ जाते हैं। लगभग सभी अंडों में से बच्चे एक साथ ही निकलने लगते हैं। ये बच्चे अपने एग टूथ का इस्तेमाल करके बाहर आते हैं और तेजी से समुद्र की तरफ बढ़ने लगते हैं। पूरे तट पर हजारों बच्चे नजर आने लगते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये इनकी जिंदा रहने से जुड़ी एक रणनीति है। परभक्षियों की मौजूदगी में अपनी बड़ी संख्या के बल पर इनके जिंदा रहने के मौके बेहतर हो जाते हैं। कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि समुद्र की ओर इनका दौड़ना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये प्रक्रिया छोटे छोटे बच्चों के दिमाग पर एक सूचना को नक्श कर देती है। इसी सूचना के बल पर ये अब से 16 साल बाद अंडे देने के लिए इसी समुद्र तट पर आएंगे। समुद्र इस नई पीढ़ी का स्वागत करता है। लेकिन कभी कभी बादलों की वजह से चांदनी बाधित हो सकती है और तब अंधियारी रातों को ही बच्चों को अंडों से निकलना पड़ता है। इससे एक नया खतरा पैदा होता है। अंडों वाले इन इलाकों के आसपास कई शहर, फैक्ट्रियां और गांव पनप गए हैं, जिनकी रोशनी से आसमान कृत्रिम रूप से रोशन हो जाता है। इन फैक्ट्रियों की चमकदार रोशनियों से भ्रमित होकर ये बच्चे समुद्र के बजाय जमीन की तरफ बढ़ने लगते हैं। रोशनी की ओर पहुंचने की कोशिश में कछुओं के हजारों बच्चे मारे जाते हैं। खुशकिस्मती से इस साल गांव वाले और स्वयंसेवक दोनों ही चौकन्ने थे। उन्होंने अंडों वाले घोंसलों की निशानदेही कर ली थी और उन्होंने इन बच्चों को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद इन्हें समुद्र के नजदीक छोड़ दिया गया। अंडे से बच्चे निकलती है ना, जब हम उस बच्चे को लेकर उसकी माँ के पास छोड़ते हैं। जैसे बच्चा अगर पैदा होने के बाद जैसे अपनी माँ के पास जाने के लिए तड़प रहा है, वो बच्चे भी वैसे ही तड़प रहे थे कि उनकी माँ के पास जाने के लिए, वैसे ही हमने भी। अगर बच्चा को और माँ को अलग कर दिया जाएगा तो कोई नहीं रह सकेगा क्या? नहीं रह सकेगा। फैक्ट्रियों की रोशनी का कोई स्थायी समाधान ढूंढने की जरूरत है, खासकर प्रजनन के मौसम और अंधेरी रातों के दौरान। कुछ आलोचकों और फैक्ट्री मालिकों को इस बात पर यकीन ही नहीं है कि अंडों से निकलने वाले कछुओं के बच्चे रोशनी के पीछे पीछे चलते हैं। तो एक प्रयोग के तौर पर हमने समुद्र तट पर एक टॉर्च छोड़ दी। अंडों से निकले 100 बच्चे इसी रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। इससे पर्यावरणवादियों की उस चिंता की पुष्टि हो गई जो उनके दिल में कई साल से कायम थी। ऐसा माना जाता है कि घोंसले के एक खास तापमान पर 50% बच्चे नर पैदा होते हैं और 50% मादा। इस तापमान के बढ़ने पर मादा बच्चे पैदा होंगे और इसके कम होने पर नर। नर जिस तट पर पैदा होते हैं उसे एक बार छोड़ने के बाद वो उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लेते हैं। सिर्फ मादाएं ही यहां फिर लौटेंगी। उन्हें वयस्क होने और जीवन के चक्र को जारी रखने के लिए इसी समुद्र तट पर लौटने में 16 साल लगेंगे। उड़ीसा के तट पर हजारों बच्चे अंडों से निकलते हैं और ये पृथ्वी पर जीवन के दोबारा उत्पन्न होने से जुड़ा कुदरत का एक बहुत ही शानदार नजारा है और हमें इसे सुरक्षित रखना है। अगर हमें ऑलिव रिडली कछुओं को जिंदा रहने का एक और मौका देना है तो जरूरत है एक मिलीजुली कोशिश की। फैक्ट्री मालिकों को भी स्थानीय समुदायों, गांव वालों
और स्वयं सेवकों के साथ संरक्षण से जुड़े प्रयासों में हिस्सेदार बनना होगा। अंडों से बच्चे निकलने के मौसम में रोशनियों पर शेड लगाया जा सकता है या उन्हें मंदा किया जा सकता है। इससे कछुओं के छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित समुद्र तक पहुंच सकेंगे। मैकेनाइज्ड ट्रॉलरों और मछली पकड़ने वाली नावों की आवाजाही को इस संरक्षित इलाके में खास तौर पर प्रजनन के मौसम के दौरान रोक दिया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में सभी मछुआरों को विशेष रूप से डिजाइन किए गए ऐसे जाल इस्तेमाल करने चाहिए जिनमें से कछुए आराम से निकल सके। इस साल गांव वालों, मछुआरों और स्वयं सेवकों के स्थानीय समूहों की मौजूदगी और प्रयासों से हालात काफी बदले हैं। हजारों छोटे छोटे नाजुक कछुए सुरक्षित रूप से समुद्र तक पहुंच पाए। अब से कई साल बाद इनमें से कुछ जीव फिर इन्हीं समुद्र तटों पर वापस लौटेंगे और ये घटना इस बात का प्रमाण होगी कि जिन लोगों ने ऑलिव रिडली कछुओं को जिंदा रहने का एक मौका दिया उनकी कोशिशें बेकार नहीं गईं।